कैन कॉर्सो वर्सेस ग्रेट डेन। कैन कॉर्सो एक इंटेलिजेंट, अफेक्शनेट और मैजेस्टिक होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन इटली से है। और कैन कॉर्सो की हाइट 25 टू 28 इंचेस तक होती है और इसका वजन 45 टू 50 केजी के बीच होता है। वहीं ग्रेट डेन एक फ्रेंडली, पेशेंस और डिपेंडेबल होने के साथ एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन भी जर्मनी से है। ग्रेट डेन की हाइट 30 टू 32 इंचेस तक होती है और इसका वजन 60 टू 80 केजी के बीच होता है। इसी कारण ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज कैटेगरी में आते हैं। साथ ही टॉलेस्ट डॉग होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ज्यूज नाम के ग्रेट डेन के पास ही है। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में। पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल की जानकारी और अवेलेबिलिटी को आसानी से लोगों तक पहुंचा देते हैं ताकि लोग उसे ठीक तरह से एक्सपीरियंस कर पाए। पॉपुलैरिटी के मामले में कैन कॉर्सो 21 नंबर पर आता है, वहीं ग्रेट डेन 17th नंबर की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। ग्रेट डेन इसमें आगे निकल जाता है। टोटल अटैक्स। अगर आप एक डॉग ऑनर हैं तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका एक डॉग किसी पर भी यूजलेसली अटैक कर दे, वरना आपको ये बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। कैन कॉर्सो अपने टेम्परामेंट को लेकर काफी स्टेबल होते हैं और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही एग्रेसिव होते हैं, मगर इनका अपेरेंस बहुत एग्रेसिव दिखता है और इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है अटैक का। साथ ही ग्रेट डेन अपने टेम्परामेंट को लेकर थोड़े एग्रेसिव होते हैं और सोर्सेज के हिसाब से 1982 से 2014 तक ग्रेट डेन ने 37 अटैक्स करे थे। बाइट फोर्स। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं। आज इसे भी देख लेते हैं। वैसे हमने डॉग बाइट फोर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। कैन कॉर्सो एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड होने के साथ 700 PSI जनरेट कर सकता है जो कि किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा है और ये टॉप 10 बाइट फोर्स की लिस्ट में भी आता है। वहीं ग्रेट डेन एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग ब्रीड होने के साथ 238 PSI से लेकर 250 PSI तक ही जनरेट कर पाता है। इसमें कैन कॉर्सो बहुत आगे निकल जाता है। वॉच एंड प्रोटेक्टिवनेस। कैन कॉर्सो अमेरिकन कैनाल क्लब के हिसाब से 5-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। वहीं ग्रेट डेन अमेरिकन कैनाल क्लब के हिसाब से 5-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। इसमें दोनों ही बराबर हैं। विद स्ट्रेंजर्स एंड किड्स। कैन कॉर्सो स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते हैं और बच्चों के साथ ही आसानी से ढल जाते हैं। वहीं ग्रेट डेन स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते हैं और बच्चों के साथ इन्हें सुपरविजन में रखने की जरूरत होती है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। हालांकि हम कैन कॉर्सो को भी बच्चों के साथ सुपरविजन में रखने की ही सलाह देते हैं। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। कैन कॉर्सो 2022 की रैंकिंग में इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नहीं आता था और AKC के हिसाब से इसका लाइफ स्पैन 9 से लेकर 13 साल तक होता है। साथ ही ग्रेट डेन टॉप 10 इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नहीं आता और इसका लाइफ स्पैन 7 से लेकर 10 साल ही होता है। तो लाइफ स्पैन के मामले में कैन कॉर्सो आगे निकल जाता है। एनर्जी लेवल। जैसे हम इंसानों को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही डॉग्स की एनर्जी को भी चैनलाइज करवाना पड़ता है। ग्रेट डेन एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग ब्रीड होने के साथ हाईली एक्टिव डॉग ब्रीड है और इसका एनर्जी लेवल 4 रेटिंग बताया गया है। वहीं कैन कॉर्सो भी एक वर्किंग डॉग ब्रीड है। साथ ही हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होने के कारण इसे AKC ने 4-स्टार रेटिंग दी है। वैसे इस चैनल पर हमने काफी सारे डॉग ब्रीड के वर्सेस सीरीज बनाए हैं, आप प्लीज एक बार उन्हें भी चेक कीजिए।